सास रहा है। ओए हेलो, प्यारे लगते हैं ना छोटे बच्चे। तो भाई चीनू ना रही है बारिश में, बस चीना मेरा भी मन कर रहा है नहाने का। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज आज बहुत ही अच्छा मौसम है और आज मैं जल्दी भी उठी थी। वैसे रात को मैं लेट सोई थी क्योंकि रचित आया हुआ था, पर फिर भी मैं जल्दी उठ गई, अलार्म भर के सोई थी क्योंकि सुबह इनको जाना होता है ड्यूटी। उठ के खाना वाना सब बना दिया है और अभी मैं बाहर से ना थोड़ी सफाई कर रही हूँ। चीनू साथी सो रहे हैं अभी, तो मैं बाहर से जो बारिश वगैरह आई ना तो काफी गंदा हो गया बाहर, तो आज मैं बाहर की सफाई कर रही हूँ। चीनू तेरा बचा दिया है मैंने, बैंगन उबाल के, थोड़ा सा उबाल के नहीं भून के, खुद बना लेगी ना। अभी तो बोल रही थी मैं खुद बना लूंगी, मेरा छोड़ देना। मैं नहीं बनाऊं, अब ये नहीं बनाएगी, मेरे को ही बनाना पड़ेगा। फिर अलग क्यों बनवा रही थी, उसी में नहीं बन जाता। बना दो दोबारा घी में, तो मैंने तो तेल में बनाया ना, इसीलिए तो तू अलग बनवा रही है। घी में बनाओ। अब देखो भाई, इसका घी में अलग से बनाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, बाइक साफ करते हुए, साफ करने की बजाय धो लेनी चाहिए। तो कीचड़ है ना, पहले हो जाए। कैसा लगा भरता? ठीक है, अच्छा है। बहुत मेहनत करके बनाया क्योंकि मेरे को अपने हाथ का अच्छा नहीं लगता, पर शक्ल से बढ़िया लग रहा है। सही है स्वाद। गाइस मैं अभी सो के उठी हूँ और मम्मा सफाई कर रही है, देखो सारा धो लिया मैंने। तो गाइस अमरूद हमारे पके हुए हैं, जैसे ही बारिश आई ना ये पक गए, देखो अच्छे मोटे मोटे हो गए। ले चेक कर ले कौन सा ठीक है, वो तो कच्चा है। एक वो रहा, ये अच्छा लग रहा है ना, ये कच्चा है। वो तो भाई उनमें से तोड़, ये नहीं इनमें से तोड़। तो इनमें से सबसे पक्का तो यही है जो लग रहा है ना तेरे को, सबसे पक्का पकड़ पहले टहनी को, पकड़ तोड़ आराम से तोड़। अब इसको धो के और काट के दिखा और खा के दिखा कैसा है। कान को हिला दो पहले। ठीक है, कैसा है? खाऊंगी। खा, ये वाला ज्यादा मीठा नहीं है। मीठा नहीं है, अब जैसे भी लग गया तो पका नहीं है ढंग से। नरम है या कच्चा है? कच्चा है, इसीलिए मीठा नहीं लग रहा, पर कच्चे भी मीठे होते हैं कई बार। सुबह हमने उसी पेड़ का तोड़ा था, मीठा था वो, या तो ये कच्चा है अभी। कच्चा होगा, कोई नहीं पक जाएंगे। और अब क्या कर सकते हैं, अगर कच्चा भी हो तो कुछ कर नहीं सकते अब। तो गाइज नहा ली हूँ मैं, नहाने के बाद भी पसीना नहीं सूखता, इतनी गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी। और रोटी भी खानी है, अभी तक 1 बज चुका है और रोटी नहीं खाई अभी तक इसी गर्मी के कारण, क्योंकि इतना पसीना आ रहा है कि रोटी खाने का भी मन नहीं है। तो गाइज देखो कितना अच्छा मौसम हो गया है और बारिश आएगी तेज वाली, ये देखो भाई ठंडी हवाएं बिल्कुल और बिल्कुल काले बादल। 1:30 बजा हुआ है और बहुत तेज बारिश आएगी भाई। अब पसीने सूखे हैं, बहुत पसीने आ रहे थे और आज जब मैंने यहाँ से धो दिया ना तब बारिश का मौसम हो गया, ये देख लो भाई। मैं सोच रही थी धो दूं, कई दिन से बारिश नहीं आ रही, बहुत धूल हो रही थी और बिल्कुल मैंने यहाँ से साफ कर दिया आज, ये देखो पूरा साफ कर रखा है, वहां तक गेट तक पूरा अच्छे से सब। तो भाई देखो कितनी तेज बारिश आ गई है और बहुत ठंडा मौसम हो गया, ठंडी हवाएं चल रही है, एक नंबर का मौसम हो गया भाई, एक नंबर का मौसम। चीनू बारिश में नहाएगी आज जल्दी, और ये देखो ये बारिश में भीगते हुए भीतर भी हाथ में मारे तो तो भाई चीनू नहा रही है बारिश में, बस चीना मेरा भी मन कर रहा है नहाने का, पर मैं नहीं नहाऊं, मेरे को रोटी भी खानी है और मैं नहा चुकी। और आज ही देख मैंने यहाँ से धोया है बिल्कुल साफ, मनाली वाली बारिश आ रही है। चल तू नाले में खाना खा लेती हूँ, कोई बात नहीं अब खा लू खाना। तो भाई मैंने अपना खाना डाल रखा है और बाहर आई हुई है बारिश, एक मन है नहा लूं एक मन है खा लूं, क्या करूं, मैं तो खाना ही खा लेती हूँ। क्या है ये देख लो भैया, अब कह रही है मेरे को ठंड लग रही है, वरना इसको सबसे ज्यादा गर्मी लगती है।
नहा ले अब अच्छे से। और ये स्वाति जो है अभी तक सो रही है। डल गया लैंडर भाई। ये चीनू पूरा अच्छे से नहा लिया और अभी बारिश नहीं रुकी है और ऐसे कह रही बहुत मजे आए। पहले साफ की लौट की फिर बहुत मजा आया। जब छोटी थी जब ऐसे किसी दिनों बाद ना आई हूँ बारिश में मजे आए। पर मन मेरा बहुत कर रहा है नहाने का पर मैं नहा चुकी फिर इसलिए सोच रही हूँ मैं नहीं नहा रही या नहा लूं। अभी नहीं रुकी अभी और आएगी। देखो मेरे हाथ पे ऐसे हो रहे हैं। ऐसे हो जाते बारिश में भीग के मजे आ रहे हैं। पर बहुत जा रही थी उधर। तो गाइस जो यहाँ पे बाथरूम बना है मैं आपको जाके दिखाती हूँ कि उसकी कैसी जाल बनी है। मतलब लैंटर डल रहा है ना तो अभी दिखाती हूँ आपको जाके कैसा जाल बना उसका। ये देखो गाइस ये लैंडर अभी और मोटा होगा। अभी इस पे लैंटर पड़ा ही डलेगा। अभी डला नहीं है। अच्छा इसकी ढलाई होगी। इसको खाली जाल बन दी है। अच्छा और मैं ऊपर आ गई हूँ इस वाली छत पे और वो रही हमारे घर की छत। और मस्त मौसम हो रहा है बहुत ज्यादा अच्छा। और वहां देखो मोर बैठा है। यहाँ देखो यहाँ पानी भर चुका है बिल्कुल। ओ दो दो मोर यहाँ भी बैठे हैं। वो तो अपने पंख फैला के बैठा है फुला के। और वहां देखो एक भैंस का काटड़ा। वहां देखो एक और मोर बैठा है दिखाऊं। वो देखो दो है ना दो है वो रहा एक और। किसी के वहां पे मोर नहीं होते तो वो चिड़ियाघर में मोर देखने जाते हैं। अगर किसी को मोर देखने हो तो भाई हमारे गांव में आ जाना। फुर्सत से मोर देख के जाना। पास से दूर से मोटा छोटा लंबा जैसा भी देख के जाना। तो गाइस स्वाति बना रही है हलवा क्योंकि बारिश का मौसम है। इसने बोला मैं हलवा बनाऊंगी। मैंने कहा चलो भाई हलवा बनाओ। तो अभी इसमें पानी और चीनी डाल दिया है। अभी इसमें टाइम लगेगा अभी इसमें 5-6 मिनट। तो गाइस हलवा बनकर हो गया है तैयार। देखो अच्छा बना दिया स्वाति ने आज तो। अभी ये पकेगा वैसे तो। वैसे भी ना मतलब इसके दो कारण बन गए इत्तेफाक से। एक तो बारिश थी अच्छा मौसम था तो हलवा खाने का मन हो गया और दूसरा आज लैंटर डल रहा है तो एक वो भी इत्तेफाक ही हो गया। तो भाई मिस्त्री वगैरह को भी मैं दे आती हूँ। बेचारे काफी मेहनत कर रहे हैं इस बारिश में। अभी उनको मैं दे के आ रही हूँ और ये हमारे लिए बच गया। तो गाइस हलवा आ गया है ले लो भैया ले लो। ज्यादा हो गया तो भी लैंटर डलना शुरू हो गया है बाथरूम का। तो गाइस चीनू जा रही है बेसन के लड्डू लेने। क्यों? क्योंकि लैंटर तैयार लैंटर पूरा होने वाला तैयार कह रही। लैंटर पूरा होने वाला है फिर लड्डू बांट देंगे। जिस दिन नीम भरी उस दिन लाए थे। हाँ ये क्या चमक रहा है। अच्छा कहाँ गए सारे? वो कहाँ है ऊपर? आंटी नमस्ते। देखो गाइस इससे मिलवाने लाई हूँ आपको छोटे से बच्चे से। ये देख हंस रहा है। ओ ओए रो रहा है। बोल इससे बात कर। हेलो क्या नाम है इसका? विदांश। हेलो विदांश। देखो गया ना जब अपना नाम सुन के। हेलो और कैसी तबीयत है? पूरा रेस्ट किया? बिल्कुल पूरा।
सही किया, नौ से भी आगे चल रहा है रेस्ट। अच्छा सही बात है, क्योंकि ये रेस्ट ना बहुत काम आएगा, है ना, बहुत अच्छी वो करेंगे। सही बात, सभी ससुराल वाले सभी बहुत अच्छी। चलो ऐसे ससुराल वाले सबको मिले, दरानी ने भी, सास ने भी, दादस ने भी, सही, देवर ने भी, हस्बैंड ने भी, बहुत साथ दिया हर चीज, और अभी दे रहे हैं, बिल्कुल करने में लग रहे हैं सब। जब ऐसे साथ देते हैं ना तो जिंदगी वही बाग बाग, परिवार बहुत अच्छा है, बहुत शायद किसी को मिलता है ऐसे परिवार। सही बात, बहुत अच्छा, यही तो चाहिए जिंदगी में, और क्या चाहिए, परिवार अच्छा तो लाइफ अच्छे से कट जाएगी। 9 महीने बेड पे रखा और अब भी निकाल ही रहे है। तो गाइज ये मेरी फ्रेंड है मीनू, और देखो अपने घर वालों की कितनी तारीफ कर रही है, भाई तारीफ के काबिल है तभी कर रही है। सब बहुत अच्छे हैं ससुराल में, बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, शायद ही किसी किसी को मिलते हैं ऐसे। बिल्कुल, क्या नाम है? सही, देख मेरे पास चुप है, देख बात करनी है इसको, बात करनी है। अच्छा अब खुश है, पहचान कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या देख रहा है, जान गई मेरे को, मम्मी रोज आती थी मेरे पास, जानते हो आप मेरे को, ओए जानते हो ना, इसीलिए देख आप चुप है, देख मेरे पास भी चुप होगा, लो सामने दिखा ना उसको, अपने अपनी उसकी आंखें अपनी तरफ कर। अच्छा वीडियो किस तरफ चल रही है, समझ नहीं आ, अच्छा वेदांश अब सही है ना, छोटे बच्चे कितने क्यूट होते हैं ना। और ये चीकू कैसा है, चीकू देखो मेरी चीकू तो नहीं है, ये यक्षु है, ये यामिनी है, हेलो यामिनी, देखो मेरी सिटी सुन रहा है, मुँह देखो, मुँह पे मुँह पे आवाज़ नहीं, थोड़ा साइड फेस करके, और क्या, हेलो हेलो, प्यारे लगते हैं ना छोटे बच्चे बहुत ज्यादा। ये लो भाई पकड़ो, देखो हाथ बढ़ाएगा, देखो पकड़ के दिखा दे इसी बात पे, ओ ओ अब नहीं पकड़े, पकड़ ली पकड़ ली, चलो वो भी लो, चलो ये तो सो गया भाई, ये देखो सो रहा है आराम से, बाय बाय बाय। जब ही तो बच्चे सो जाते हैं और जब ही एक मिनट में उठ जाते हैं ना। हीरो देखो भाई, हीरो और पतली आए हैं, वो रही पतली और ये हीरो, और ये कालू भी आ गया। तो भाई ये नहीं खा रहे हैं, देखो पतली क्या हुआ, इधर आ हीरो, हीरो ये देखो हीरो को, क्या हुआ हीरो नहीं खाना। देखो भाई जो हलवा बचा हुआ था वो मैंने डाल दिया इनको, और ये हलवा खा रहे हैं अब। कालू आ जा तू भी, तू वहां क्यों खड़ा है, आ जल्दी, हलवा खा लिया इन्होंने और रोटी नहीं खा रहे हैं ये देख लो इनका हाल, इनको भी हलवा चाहिए। तो आई हम लोगों ने जोमेटो से वेज बिरयानी मंगवाई थी, अभी आई है 2 घंटे के बाद, क्योंकि बारिश का मौसम है ना इसलिए बारिश हो रही थी। तो गाइस स्वाति खोल रही है बिरयानी, देखते हैं कैसी है, ये देख लो इतना सारा है, इतना सा पता है कितने का है, 35 रुपए का। क्यों मंगा रही थी, मना तो किया था मैंने, मुझे लगा थोड़ा बड़ा है, इसलिए मना किया था मैंने, ऐसे ही करते हैं। ये बताओ क्या फायदा इसका, 1 किलो दूध आ जाता है इसमें, एक घूट में खत्म हो जाएगा, ऐसे नहीं करना चाहिए इनको, शिकायत डालो शिकायत कि ये क्या है भाई, ऐसे कौन करता है। तो भाई आज घर पे खाना बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था, और हमने फिर ये मंगा लिया, यही खा लेंगे थोड़ा थोड़ा, क्या है क्या है, भूख लगी, उठ जा उठ जा, खाना खाना है तो, अब उठ भी नहीं रही, यहीं पे दो आँख तो खोल ले, यहीं पे दो, ऐसे नहीं देता कोई भी, आ जल्दी आ खाना खाएंगे। अब देख लो इसको, ये 10 बजे हुए और ये सो रही है, ये 5 बजे सो गई थी, 5 बजे नहीं सोई, 7 बजे सोई, 5 सोई थी, और 7 बजे सोई थी मम्मा मैं,
पाँच बजे हुए थे जब मैं बाहर वहाँ पे गई, वीडियो देख के सात बजे सोई थी। तो कोई सोने का टाइम है सात बजे? तो तीन ही तो घंटे सोई हूँ। और ये सात बजे सो गए, ये देख लो कितने बजे उठी है, रात के 10:15। चल आँख खोल ले, मुंह धो ले और जल्दी आ जा, नौटंकी बाज, जल्दी आ। तो गैस खाना वगैरह खा लिया है हमने, और आज कमेंट में ना एक मेरे से पूछा है किसी ने कि आप लिपस्टिक कौन सी लगाते हो, तो सृष्टि त्यागी नाम है उनका, तो भाई मैं ये वाले लिपस्टिक लगाती हूँ, ये ग्रीन, और ये सब लोगों ने ये यूज़ ज़रूर की होगी क्योंकि ये बजट में भी है और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है, तो भाई मैं यही लगाती हूँ। ये उतरती भी कम है और ये मतलब सुबह लगाओ तो शाम तक चल जाती है, तो भाई ये वाली है। तो चलो गाइज इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं और जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। गुड नाइट गाइज़।